ये फौजी आए थे ना यार, जूता चप्पल निकाल गए। अभी हो गया था सीन। अभी हम पता कहाँ हैं? अभी हम दोबारा मंदिर के पास में आए क्योंकि हमारा गोबरो रह गया था रास्ते में, जहाँ हमने प्रसाद लिया था ना, मतलब जहाँ पे जूते चप्पल उतारी थी, तो वहाँ पे यहाँ पे। ओ तेरे, ये रहे हमारे सर, वैसे तो आर्मी से आज ही आए हैं भाई, श्रीनगर से। बंद कर लिया भाई, हमने तो अच्छे से दर्शन कर लिए, आपको अच्छे से हुए या नहीं हुए मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने कैमरा तो ऑन कर दिया था। सो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जयपुर के पास। जयपुर के पास में हम कहीं, एड्रेस हम बाद में बताएंगे, फिलहाल डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे वीडियो के। फिलहाल हमारा यहाँ पर चल रहा है मिल्क और मूसली, नट्स एंड सीड्स, ये हमने अपने अपने डाल लिए, क्योंकि यार सुबह सुबह चाय वगैरह तो हम पीते ही नहीं है, कॉफ़ी पीने का मन नहीं था अपने, हमें मौका मिल गया कि हाँ भाई दूध डाल के हम पी सकते हैं, तो ये ले लिया। बाकी यहाँ पर देखो स्विमिंग पूल भी है, काफ़ी बड़ा रिजोर्ट है, टूर देंगे थोड़ी देर में, टूर देंगे हाँ। बाकी तो अच्छा, मैं से खा लूँ। हाँ, खाने पर तो ध्यान पूरा रहे तेरा, खाने पर पूरा ध्यान। सो गाइस, जिस जगह पर हम रात रुके थे ना, उस जगह के अब ले रहा हूँ मैं ड्रोन शॉट, क्योंकि ये जो लोकेशन है बहुत प्यारी है भाई। तो 3, 2, 1 लो भैया, नहाने की तैयारी हो चुकी है। सुबह सुबह क्या, 12 बज गए, अब तो वीडियो एडिट करने के चक्कर में ड्रोन शॉट भी ले लिए, उसमें टाइम लगा। लेते हैं थोड़ी देर स्विमिंग पूल का मजा, लेते हैं फिर चलते हैं यहाँ से नहा, आप लोगों को भी दिखाते हैं। चले ज्ञान मध्य में फटाफट नहा ले। जो नकली पैर चला है इधर ना अंदर भाई, देख लो इसे 1 घंटा हो गया डाई मार के लौट गया, ना ब्लॉग बना रहा ना कुछ, बाहर को आजा मुझे भी बनाना। मैं ब्लॉग बना रहा, चुपचाप ब्लॉग बनाता रहा। मैं बनाना बंद कर दूंगा फिर क्या कर लेगा मेरा तू? हाँ, मैं बाइक पर ले जाने का अपनी, मैं यहाँ से जा नहीं सकता, रास्ता नहीं देखा मैंने, पैसे ना तेरे द्वारा। कैसी बात कर दी, घर पैसे दे दो, घर वालों मुझे घर आना वापस, तो बस तो आता जम ही जल्दी आ बाहर। भाई आजा बाहर को, अब मेरा भी नंबर आएगा, मैं बंद करके चला जाऊंगा। जय सुन, तुझे तेरी मम्मी का समय बाहर आजा, मम्मी की छुट्टी का, तू मम्मी का समय ना मानेगा। हाँ तो वाली कड़िया आ रहा है। देखो भाई, 2 दिन तक वर्कआउट नहीं हो रहा ना, तो यहीं शुरू हो गया है। ये लो, चार पुलअप लगते नहीं यार, 5वें पुलअप में हूं करने लगे। ये देखो आधे में जाके छोड़ दे नहीं, कितने से स्टार्ट करते थे मैं तो दूसरे से कर दिए थे 11 मारे, अरे 11 देख, नंबर बनाने के लिए 11 बता रहा कुछ भी कह लगे ऐसे दिखा दिखा भाई, अब हम नहा लिए हैं, अब कपड़े बदलते हैं, उसके बाद मिलते हैं। खा खा के हमने इतना फैट जमा कर दिया शरीर पे, संतुली से निकलने शुरू हो गई है। कल वर्कआउट करेंगे जिम में, क्योंकि 2 दिन तक वर्कआउट नहीं हो रहा, ना आज हुआ ना कल हुआ। तू करेगा वर्कआउट, करेगा धमपोली, अरे धमपोली ना वजन घटा दिया, धमपोली नहीं रही तो चलो चलते हैं। तो भाई जिस जगह देखो कितनी प्यारी प्रॉपर्टी यार, जिस जगह पर हम रुके हुए ना,
भाई इस जगह का इधर बच्चों को नहाने का है, इधर सामने बड़ा स्विमिंग पूल है और इधर गार्डन एरिया है और इधर इधर यहाँ पे पार्टी वार्टी चिल करने के लिए भी है और पीछे रूम भी है। अगर रूम बहुत प्यारे हैं भाई, रूम भी प्यारे हैं, रूम का भी टूर दे देंगे अभी थोड़ी देर में। बाकी बाकी यहाँ का सारी चीजें कॉन्टेक्ट और एड्रेस और सब चीजें डिस्क्रिप्शन में है। सुबह नहा धो के हो चुके हैं, टिप टॉप रेडी, कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं और अब थोड़ा सा सामान वगैरह सारा बाइक पे अपनी जो फैला पड़ा है, रूम में फैला पड़ा है, उसे पैक करते हैं और पैक करके यहाँ से निकलते हैं श्री खाटू श्याम जी के लिए। बाकी ये भी नहा धो के आ गया, लग नहीं रहा फिर भी नहाया हुआ, ये बाल भिगो के आ गया, नहाया नहीं है ये। बाकी भाई देखो इधर खड़ी थी बाइक अपनी, तैयारी करते हैं निकलने क्योंकि लगभग 1:30 बज चुका है भाई। तो देखो भाई जो हमारा रूम है यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है, इधर पूरा का पूरा रिजोर्ट है, इधर सामने स्विमिंग पूल है जो हमने दिखाया था सुबह अभी, और इधर किचन है, अंदर रेस्टोरेंट है, मतलब खाना वाना सभी मिलता है, और यह है रूम। तो भाई रूम देख लो, बिल्कुल न्यू, एकदम क्लीन क्रिस्टल क्लियर, जैसे पानी को बोलते हैं ना, एकदम बिल्कुल न्यू रूम है। और सच बताओ ना भाई, पीस बहुत है, मतलब शांति बहुत है, बिल्कुल चिल, कोई कोई वही नहीं है। एक बार को ना तुम हरिद्वार ऋषिकेश में तो मिल जाएगा आवाज सोर्स लगा, यहाँ नहीं है। तो भाई ये अपना बेड है, थोड़ा सा अंदर को है, हाँ रोड से, मतलब थोड़ा सा मान लो 500 मीटर सामने पहाड़ है बिल्कुल, वो तो एड्रेस डाल देंगे जब पता लग जाएगा, लोकेशन डाल देंगे आप कहीं घूम रहे हो बिल्कुल। ये भाई बेड, यहाँ थोड़ा मैसी हो गया क्योंकि सोए थे रात, ऑब्वियसली बात है हो जाएगा। और इधर कबर्ड है ये रहा, है ना, तो उसी के अंदर है टॉयलेट, ये ना टॉयलेट, ठीक है, ये पूरा का पूरा टॉयलेट है। बाकी अब हम निकल रहे हैं, मतलब अब नीचे चलते हैं, लंच करते हैं और उसके बाद निकलते हैं। तो भैया अब डिनर करने का समय हो चुका है, डिनर करते हैं उसके बाद मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे मिलते हैं। देख लो भाई इस ज्ञानी को, देख लो लंच की जगह डिनर बता रहा है, थोड़ा नहीं ये तो ज्ञान बहुत देता है ना, कहते फ्लो फ्लो में ये डिनर पे फोकस कर दे तो। खाने का नाम सुनते इतना खुश हो जाता है, ओए होए मन में लड्डू फूटा। तो चलो भाई देखो ये प्रॉपर्टी तो मैंने तुम्हें कितनी बार दिखाई दी है अभी सुबह से, बाकी अब यहाँ से चलने का टाइम हो गया है, अब निकलते हैं हम खाटू श्याम के लिए, 2:30 बज गया हमें यहीं पे, और फिर कभी मौका लगा तो आएंगे। इस बार सोच रहा हूँ टूर ही लेके आ जाऊँ भाई के पास में, और ये भाई हैं जिनके यहाँ मतलब जिनका रिजोर्ट है, ठीक है भाई, इनका ये मालिक ही हैं, ठीक है ना, और बहुत अच्छा बना रखा है। तो अगर कोई भी आए और शांति चाहता है ना, बिल्कुल शांति मज़े में, चाहे तो इसमें पार्टी कर लो आप, है ना, चाहे आप बर्थडे पार्टी शादी जो करना है कर लो, अपना प्री वेडिंग शूट जो करना है सब करा सकते हो, सब अरेंजमेंट हो जाएगी। चलो जी तो करते हैं राइड की स्टार्ट, लेके प्रभु का नाम बोलो जय श्री राम। ठीक है भाई जी, हैं मिलेंगे जोधपुर में, ठीक है जी, चलो भाई बोल शंकर भगवान की जय। अब यहाँ से हमें जाना खाटू श्याम, और खाटू श्याम जाने से पहले पहले एक भाई हमें ज्वाइन करेंगे, फिर खाटू श्याम जब हम पहुँच जाएंगे एक भाई और ज्वाइन करेंगे, तो मतलब राजस्थान तो भाई हमें भा रहा है, भले व्यूज़ आ रहे हो ना रहे हो है भाई मंजीत, लेकिन राजस्थान हमें भा रहा है क्योंकि लोग बहुत प्यार करते हैं भाई हमें। लो जी आ गए हम हाईवे पर, पहले अभी हम एक गाँव में थे, गाँव से हम आ गए हाईवे पर, और जिस गांव में थे हम वो गांव का नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जो नीम्स यूनिवर्सिटी है वहां पर थे, और ये जो हाईवे है जिस हाईवे पर हम अभी चढ़ने वाले हैं उस हाईवे का नाम है NH-48। सो गाइस जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मुझे एक भाई पहले करेगा ज्वाइन और एक भाई करेंगे वहीं पर जाके, तो भाई ये जो सामने बाइक लेके जा रहे हैं ऑरेंज सी कलर में, इन्होंने ज्वाइन किया हमें, और ये भाई वही है जिनके साथ हम होटल में रुके थे 2 दिन पहले। और बाकी ये जगह कौन सी ये नहीं पता, लेकिन हाँ खाटू श्याम हम बहुत जल्दी पहुंचने वाले, ज़्यादा दूर नहीं है। ओहो क्या खुशबू आई है भाई खाने की, मस्त एकदम मज़ा आ गया भाई। आजकल पता नहीं क्यों मुझे नींद बहुत ज़्यादा आने लग गई है यार, मैं बाइक चलाता हूँ ना, देखो बाइक में बैठा हूँ शीशा वीशा बंद कर लेता हूँ और कुछ दूर चलता हूँ बिल्कुल शांत होके, यार नींद कैसी मतलब आँखें भारी होने लग जाती है, नींद से आनी स्टार्ट हो जाती है, पता नहीं क्या सीन हो रहा है आजकल मेरे साथ, और ये मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए, चलती रोड पे नींद आना बहुत ज़्यादा गलत बात है, लेकिन फिलहाल नहीं आ रही, लेकिन पीछे आ रही थी यार, पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा नींद आती है। और देखिए मैं रात को आराम से काफ़ी अच्छी नींद भी ली है मैंने। चलो यार एक साइड गुल लगा के
चाय वाय कुछ पी लेते हैं। चलो भाई चलो 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 जी, आप जो भाई मिलने वाले हैं, एक भाई और मिलेंगे, एक तो ये मिल गए भाई, एक भाई और मिलेंगे, एक्चुअली वो हैं भाई फौजी और उनकी कल ही छुट्टी हुई है श्रीनगर से, और वो कह रहे भाई अगर तुम मुझसे बिना मिले चले गए देखना फिर, और वो आज ही पहुँचे भाई 12 बजे श्रीनगर से, और देखो किस्मत आज ही वो हमारे साथ रहेंगे और उनके साथ ही हम सिकर घूमेंगे। कैसे हो सर? बढ़िया सर। कैसे हो? बहुत बढ़िया। थोड़ा लेट कर देते हो क्या बात है? नहीं हम मैंने मैसेज बीच बीच में अभी रुके ना पीछे तब देखे मैसेज मैंने दोबारा से, कॉल कर लेते नंबर दिया था तो कल मैंने आपको किया था, उठाया नहीं इनका साथ था सर, अंदर रखा होगा फिर। चलें फिर, चलो सर के पास में है GS, ये भारत नंबर है ना पूरे भारत के लिए शायद, ये तो बड़ी गड़बड़ होगी भाई। चलो कोई नहीं अब फाइनली मिल गए, चलो आ जाओ। चलो लेट सवेर जैसे मिले फाइनली मिल तो गए भाई। तो सर के पास में GS 310, और भाई क्या लग रही है भाई, मस्त लग रही है एकदम जबरदस्त, एक नंबर बढ़िया, और भाई नंबर भी है रण तो बिल्कुल अलग वाला ही ले रखा है, पूरे भारत वाला कहीं भी ले जाओ। ये लो जी फाइनली अब हम पहुंचने वाले हैं खाटू श्याम मंदिर, थोड़ी सी दूर और रह गए हैं, और भाई अलग ही फीलिंग आ रही है यहाँ आने के बाद में ना, लोग देखो ऐसे झंडे लेकर के जा रहे हैं, इनकी शायद कोई मन्नत होती होगी इसीलिए वो झंडे वंडे कंधे पर लेके जाते हैं आई थिंक, देखो पक्का मुझे नहीं पता लेकिन हाँ मुझे जो लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो गाइस भाई फाइनली हम पहुँच गए खाटू श्याम मंदिर के कुछ ही दूर पहले हैं, और बाइक मैंने लगा दी है यहाँ पर, जो हमारे राहुल भाई हैं इनकी कोई जानकारी है, यहाँ पर एक धर्मशाला है उसमें हमने बाइक खड़ी कर दी है, और टी शर्ट भी चेंज कर ली है, और टी शर्ट चेंज करके अब चल रहे हैं मंदिर की तरफ। और ये रहे हमारे सर, वैसे तो आर्मी से हैं, आज ही आए हैं भाई श्रीनगर से, बट कहाँ हैं कैसे हैं वो मैं आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है भाई फिलहाल चल रहे हैं अभी मंदिर की तरफ, इधर है मंदिर। तो ये लो जी फाइनली आ गए भाई दर्शन करने के लिए, और लाइन में अब हम लगेंगे, जहाँ से मेरे ख्याल में दूसरी साइड से लाइन में लगना पड़ेगा, और इधर से निकलते हैं वापस, तो फटाफट दर्शन करते हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे सर के साथ। सर कहाँ लेके जाएंगे कहाँ नहीं मुझे नहीं पता वो कह रहा है कि सिकर रुकना, मैंने कहा चलो देखते हैं अभी पहले दर्शन कर लेते हैं श्याम बाबा के, फिर आगे के आगे सोचेंगे। और ये है भाई यहाँ की मार्केट, मैक्सिमम जो प्रसाद वगैरह मिठाइयाँ वगैरह मूर्तियाँ वगैरह जो कुछ भी है यहाँ पे, कपड़े वपड़े जो कुछ भी मिलता है वो इसी मार्केट में मिलता है भाई। ये रही सो गाइस भाई लाइन में लगने के लिए जा रहे हैं, और एक शॉप पर जहाँ से हमने प्रसाद लिया वहीं पे उतार दिया हमने सारे के सारों ने शूज़ अपने जूते वगैरह वहीं उतार दिए, हाथ धुले, और अब जा रहे हैं हम क्या करना दर्शन करने के लिए, भूल गया था मैं क्या करने जा रहे थे हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और इस तरह से ना भाई साइडों में क्या पूरे में लगभग दुकानें हैं प्रसाद की, पेड़े ठीक है, झंडे और जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे लगभग, गुलाब के फूल कपड़े। तो ये लो जी फाइनली अब हम चल दिए हैं लाइन में, देखो इधर जो लाइन है ना उस लाइन में हर कोई जाना चाह रहा है, क्यों जाना चाह रहा है वो सीन ये है ताकि क्लोज से दर्शन कर पाएं भाई, दूर से हो या बिल्कुल पास से, छू के तो आप दर्शन कर नहीं सकते नज़रों से देख सकते हो, तो नज़रों से देखने के लिए भाई हम तो दूर से देख लेंगे, इस लाइन में जल्दी दर्शन हो जाएंगे, उस वाली लाइन में जाएंगे तो हमें लगेंगे घंटों, तो इसलिए हम चौथी पांचवी लाइन में जा रहे हैं, और बाकी इधर का देख लो कैसे हिसाब किताब है भाई। तो भैया जो सामने देख रहे हो उधर भी लाइन है और सेम इधर भी लाइन है इधर की साइड, और भाई इतनी भीड़ लगी हुई है ना, आरती का समय हो रखा है तो इस वजह से लाइन नहीं चल पा रही, तो भीड़ जो आ रहे हैं लोग तो लाइन में लगती जा रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है। तो भाई जिस लाइन में लग रहे हैं ना मैं हमसे ज्यादा इधर भीड़ है, देखो उधर भी बहुत लगे हुए हैं, और अगर दो दिन पहले आते ना तो भाई यहाँ पर लाखों लोग आए थे, लाखों बंद कर दी। सो भाई देखो भाई हमने तो अच्छे से दर्शन कर लिए, आपको अच्छे से हुए या नहीं हुए मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने कैमरा तो ऑन कर दिया था, लेकिन पीछे जो गार्ड्स हैं ना वो उन्होंने मुझे जल्दी चल 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 जल्दी भगा दिया वहाँ से, अब पता नहीं कितना रिकॉर्ड हुआ होगा कितना नहीं, जहाँ तक है रिकॉर्ड हो गया होगा जो मैंने देखा कैमरे में। अरे ठहर जा फोटो खींचा
यात्री जब फौजी आए थे ना भैया, जूता चप्पल निकाल गए भाई। अभी हो गया था सीन। अभी हम पता कहाँ हैं, अभी हम दोबारा मंदिर के पास में आए क्योंकि हमारा गोबरू रह गया था रास्ते में, जहाँ हमने प्रसाद लिया था ना, मतलब जहाँ पे जूते चप्पल उतारी थी तो वहाँ पे, तो भाई साहब के साथ आना पड़ा दोबारा से। को जानते हो ना, दोबारा से वापस आना पड़ा। और अब यहाँ से वापस जा रहे हैं वहीं पर जहाँ पर हमने बाइक खड़ी करी थी, वो वहाँ पर खड़े हैं लवकुश और साथ में जो भाई थे वो। अब यहाँ से निकलते हैं। तो भाई हमारा गोबरू रह गया था, हम जिस दुकान से हमने प्रसाद वगैरह लिया था और जूते वूते निकाले थे, लेकिन वापस गए मिल गया। और अब निकल रहे हैं हम यहाँ से, रात हो गई है खाटू श्याम से, और हम जा रहे हैं अभी सिकर। जो सर मिले हैं ना, जो आर्मी वाले हैं, उन्होंने हमें इनवाइट किया है आज के भाई मेरे साथ चलोगे और मैं घुमाऊंगा कल तुम्हें सिकर। मैंने कहा ठीक है। तो अभी हम घर जा रहे हैं, उनके घर या होटल लेना क्या करना वो देखेंगे। अभी कहने का मतलब ये, फिलहाल अभी हम जा रहे हैं सिकर। और भाई यहाँ पर तो ठंड, दिन में तो बेअंत गर्मी हो रही है, रात को उसी लेवल की ठंड हो रही है। तो गाइस मेन हाईवे पे आ गए हैं भाई, और मेन हाईवे भगा रखी है, देखो बाइक 102 जा रही है फिलहाल, मतलब ज़्यादा नहीं भगा रखी, 100 सवा 100 लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमें पहुँचना है सिकर। सिकर यहाँ से अभी 48 किलोमीटर दिखा रहा है भाई, 48। ये लो जी राजस्थान के अब हम जिले में हैं सिकर में, और सिकर सिटी में हम पहुँच लिए, मतलब सिटी है हाँ। अब हम पहुँचने वाले हैं मतलब सिकर में, सिकर है यहाँ से 2-3 किलोमीटर बस, ऐसे तो ये भी सिकर ही चल रहा है लेकिन मेन सिकर जो है वो 2-3 किलोमीटर है यहाँ से। तो ये लो जी सिकर की मेन मार्केट में आ गए हम, ये मेन मार्केट है सिकर की, और अभी हम यहाँ देखेंगे कोई होटल। ओम भगवान विष्णु मंगलम गणदध्वजा मंगलम कुंडलिकाक्षाय मंगलाय तनोहरी। सो गाइस जो फौजी भैया हमें मिले थे ना, मतलब जो हमारे साथ राइड कर रहे हैं अभी, तो फिलहाल वो अपने घर चले गए हैं, हमने ले लिया रूम यहाँ पे, उन्होंने दिलवाया एक्चुअली। और जब वो हमें मिले थे हमारे लिए ना भाई लाए थे वो देखो पेड़ा मिठाई पेड़ा। और मिठाई में जब हमने खोला, अभी खोला है तो इसमें है भाई पेड़े, और इस कुत्ते ने आते के साथ ही उधेड़ने शुरू कर दिए। दूसरों पे ब्लेम करना इसकी पहले गंदी आदत है, जब तुम साथ में राइड करोगे तो वहाँ पता रह जाएगा कौन खाने वाला है कौन नहीं खाने वाला है। गाइस फाइनली पहुंच गए भाई अपने रूम पर। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद।